पुराने टाइम का हथियार है जी। जैसलमेर वाज ए सिल्क रूट, यहाँ से काबुल, कंधा, बलूचिस्तान, ईरान, इराक तक लोग व्यापार के लिए जाया करते थे। चरस, अफीम, गांजा, सोना, चांदी, कपड़ा, मसाला राजा को टैक्स पे करते थे। ऐसे हथियारबंद सैनिकों के साथ उनको अगले बॉर्डर तक जाने की परमिशन दी जाती थी। ये कुकरी है, कुकरी नेपाली हथियार है। कुछ राजा की शादी नेपाल में हुई है, वहाँ दहेज में दी जाती है कुकरी। ये रानी की कटार है, पुराने टाइम में रानियां रखती थी कटार जी। अभी की रानी रखती है मोबाइल। ये खंजर है, सैनिक अपने जूतों में छुपा कर रखते हैं। ये सोल्जर का हेलमेट, आपके पीछे बाले हैं, यहाँ लगता है जहर। जहर लगाकर लड़ाई में और शिकार में इनका यूज किया जाता था। आगे लोहा, पीछे लोहा, आगे का लोहा शार्प है, सीधा वार करने में कांपता है। ये पीछे का जो लोहा है वो भारी है, कोई दुश्मन का आदमी भाग रहा है इस पर वार करने में काम आता है। इधर राजपूताना तलवार है, अगर आप साउथ जाते हैं वहाँ के राजा के पास तलवार आपको हमेशा सीधी नजर आएगी। यहाँ के राजा के पास तलवार कर्व किया है, कारण राजस्थान में आती आंधी है, अगर लड़े में आंधी आ गई, तेज हवा चली, सीधी तलवार काम नहीं करेगी, इसलिए यहाँ के तलवार को कर्व किया है। जितनी तेज हवा चलेगी उतना तेज इसका वार होगा। हाउ टू ग्रिप टू शूट, तलवार कैसे पकड़ते हैं ये सिखाया जाता है। ये है गुप्ती कहते हैं, रनिंग स्टिक है, छड़ी के अंदर ये हथियार हुआ करेगा। इनसे चलाई जाती बलि बकरे की, भैंसे की। नियम था एक ही बार से जानवर की गर्दन कटे, जब ऐसा ना हो वापस उस हथियार को रिपीट नहीं करेंगे। ये कुछ कीले हैं जी। कहते हैं सूली पे टांग दिया जाता है जो राजाओं के साथ बेईमानी करते थे जी। ये देख रहे हैं, ये कान में डालते थे। अच्छा जी। तो अलग अलग प्रकार से इसको यूज किया जाता है। ये इसको लाए थे ब्रिटिश, दो आदमी इसको यूज करते हैं, ऊंट के ऊपर बैठते हैं, एक आगे और एक पीछे। आगे वाला आदमी होगा इंडियन, उसका काम है बारूद भरना, और जो शूट करेगा होगा ब्रिटिश। दूसरे के कंधे पे बैठ के बंदूक चलाना, लोगों ने यहाँ से सीखा हुआ है। ये ब्रिटिश रेंजर का हेलमेट। ये कोड़े हैं, कोई चोरी करे, चकारी करे, राजा कोड़े मारते थे। कहते हैं इनको रात को सरसों के तेल भिगोते हैं, उसमें घोलते हैं नमक, सवेरे किसकी सुताई करनी है उसको बुलाएंगे, पहले ठंडे पानी से नहलाएंगे, अब फिर भी ना माने तो फिर ये कोड़े मारेंगे। इसको कहते हैं मोहरी, ऊंट के घोड़े के नाक से इसको निकालते हैं जी। ये धनुष बाण है, कहते हैं मुगल सैनिक अपने हेलमेट के आगे लगते हैं जाली, ताकि उनकी आंखों में धूल ना फेंके, मिर्ची ना फेंके। तो यहाँ लगता है जहर, और इसी तरह सामने वाले का गला रेतने में काम आता है। अच्छा जी। ये घर में पैसे छापने की मशीन है, टकसाल कहते हैं इसको जी। ये भैंसे का सिंह है, भैंसे के बलि देने के पश्चात सिंह को काटते हैं, उसमें भरते गन पाउडर। ये हैंड ग्रेनेड, बम बना के फेंकते हैं। दुनिया की सबसे स्मॉल पिस्टल है, जिसको राजा अपनी पगड़ी में छुपा के रखते थे। ये है बच्चों के लिए ढाल, ये देसी कट्टा है, राजा शिकार में इसको लेके जाते हैं। और ये है गन पाउडर के कंटेनर्स, अंदर दीवान खाना। इन्होंने इस किले को खाली किया था, कहते हैं इनके पास जो भी राजा बने उनका जन्म वहाँ हुआ जहाँ अभी हाल ही में रहते हैं। अच्छा। ये इनके लड़के भी, कहते हैं इनकी हाइट अभी तक के राजाओं में सबसे ज़्यादा थी, 7.5 से 8 फीट लंबे थे ये, 4 फीट चौड़े, वजन भी काफ़ी 250 किलो के आसपास था। इनके कपड़े संभाल के रखे हुए, हम आपको ऊपर आगे दिखाएंगे जी। और इन ये जो सामने फोर है, ये जिनका देहांत हुआ है। अच्छा। कहते हैं ये राजतंत्र के अंतिम राजा हुए जवाहर सिंह जी। ये कभी नहीं चाहते थे कि हम भारत में शामिल हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति के कारण जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की रियासतों को शामिल किया गया। इनका राज सबसे बढ़िया माना गया है अभी तक राजाओं में। इनके शासनकाल में घर के अंदर लोग ताला नहीं लगाते थे। अच्छा जी। और इनका हाल ही में देहांत हुआ है, और इनके लड़के अभी हाल ही में राजा बने हैं, महारावल चैतन्य राज सिंह जी। ताला नहीं लगाते थे, मतलब सिक्योरिटी का बिल्कुल कोई कुछ चोरी चक्कर नहीं थे, बिल्कुल लोग फ्री थे। अच्छा जी। हर एक व्यक्ति पर इनकी परख थी, कौन कहां से, और हर एक व्यक्ति को जानते थे, इंडिविजुअल, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो जी।